हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमई एमटेक जो आपका कोर्स है तो उसके रिगार्डिंग प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट आ गया है। यानी कि जैसे कि आप एसीबीसी की वेबसाइट पे जाते हो तो एमई एमफार्म के सेक्शन में अगर आप देखोगे तो नोटिस में आप देख सकते हो कि भाई प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपको बता देता हूँ तो नेम ऑफ कॉलेज और इंस्टीट्यूट में लिखा है डॉक्टर एस एन एस एन गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सूरत, फिर जी सी भूज, जी दाहोद, जी सी मोडासा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गांधीनगर। ठीक है, तो ये सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट 1 से लेकर 12 तक आपको दी गई है। ओके, और उसके बाद जो है वो ग्रांट इन एड है तो उसमें एमएसयू वडोदरा आ जाता है, राइट, और फिर नडियाद वाली जो कॉलेज है वो, फिर ऑटोनोमस यानी कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो वो है आईआईटी राम। ठीक है, और आगे अगर आप देखोगे तो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है तो वो 1 से लेकर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो इस पीडीएफ को तो वो आप देखोगे 61 तक है। ठीक है, डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं इस पीडीएफ की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, सो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, ये तो मैंने आपको जो गवर्नमेंट है, ग्रांट इन एड है और जो सेल्फ फाइनेंस है कॉलेज, तो इसकी मैंने बात करी। आगे देखो कि आप दूसरे नंबर के पोस्ट पे वो है नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिसिप्लिन, यानी कि जो सपोज करो कि इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, इसमें अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसकी सब ब्रांच कौन सी है, या तो फिर हम उसको स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं, राइट। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो एक मेन ब्रांच है तो उसकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है, तो वो है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस डिज़ाइन, दूसरा आता है रबर टेक्नोलॉजी। अगर मैं पर्टिकुलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो कैडकेम आ जाता है, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग आ जाता है और आईसी इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल आ जाता है, तो ये सब स्पेशलाइजेशन है उसकी, राइट। फिर इस यहाँ पे आप देख सकते हो इंटेक, यानी कि 2024 में जो है वो कितनी इंटेक है, राइट। जैसे कि मैं एलडी कॉलेज में स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो कैडकेम में 18 है सीट, क्रायोजेनिक में 15 है, आईसी इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में 18 है। ठीक है, फिर अफिलेटिंग यूनिवर्सिटी यानी कि वो तो जीटीयू ही आ जाएगा मोस्ट कॉमनली। अगर इनकेस अगर मैं सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है आत्मीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो ये बेसिकली जीटीयू के अंदर नहीं आती है, ये सेल्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, सो यहाँ पे जीटीयू न लिख के यहाँ पे आत्मीय यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस और जो भी उसकी फीस होंगी तो वो यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, ये मे भी मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल की हो सकती है, राइट। फिर आगे यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज है, लाइक एलडी कॉलेज है तो वो कहाँ पे है, तो वो है अहमदाबाद। और यहाँ पे लास्ट में जो कॉलम है से जितनी भी फीस होती है आपकी तो वो मेंशन की है, इनकेस अगर कोई सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है लाइक एडी पटेल इंस्टीट्यूट, राइट, तो उसमें 1,11,000 इतने फीस है, आई थिंक ये पर ईयर के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये सब लिस्ट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रोविजनल लिस्ट है, राइट। अगर मैं रिवाइज कैलेंडर के हिसाब से देखूँ तो आपका जब ट्रायल राउंड होगा फ्रेंड्स, तो ट्रायल राउंड के बाद और एक लिस्ट आएगा, तो वो लिस्ट जब भी आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ऐसी कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ। ओके, सो जो रिवाइज की डेट आया है तो उसमें 27 और 28 ये पीजीसीईटी का न्यू डेट है, बराबर, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बात किया है इसके रिगार्डिंग पीजीसीईटी स्केड्यूल के बारे में, राइट, तो ये वीडियो को आप मिस मत करना। मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आपको ये जो प्रोविजनल इंस्टीट्यूट है तो उसके रिगार्डिंग आपको पता चल गया होगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो मॉक राउंड में चॉइस फिलिंग करना है। इनकेस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में से बिलोंग करता है तो वो कैडकेम, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग या इंटरनल कंबशन इंजीनियर ऑटोमोबाइल ले सकता है। इनकेस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग में से है तो अपने मन पसंदीदा कोर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक अगर इसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अगर अच्छा लगता है तो वो उसकी स्पेशलाइजेशन में जा सकता है। सिविल इंजीनियरिंग में अगर उसको कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग पसंद है या तो फिर वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग पसंद है तो वो अपने ही अकॉर्डिंग ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई जस्ट होप कि आपको पता चल गया होगा ये सब। दूसरी सारी भी बहुत सारी ब्रांच आती है फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर एलडी कॉलेज में मैकेनिकल की इतनी सीट्स है, ये सब है, राइट। इनकेस अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दूसरा कोर्सेस चाहिए तो यहाँ पे एमएसयू वडोदरा जो है वो आप देख सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिफरेंट डिफरेंट और ब्रांचेस है लाइक जेट प्रपल्सन एंड गैस टर्बाइन, फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फिर थर्मल साइंस, राइट, तो ये सब है फ्रेंड्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को एनालाइज करो एंड अपना फ्यूचर सिक्योर करो। ठीक है, और
आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इवन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।